तो मैं लंच बॉक्स राइस रेसिपीज़ में दो रेसिपी तो ऑलरेडी लाइव है चैनल पे, टमाटो राइस और राजमा राइस। आज 3 दिन के लिए तीन बेहतरीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ, डे 2, डे 3 और डे 4 के लिए। एक मिक्स ड्राई फ्रूट राइस बनाएंगे और एक बहुत ही अलग और पहली बार आप सुनेंगे ऐसा रेसिपीज़, चिली पनीर राइस वो भी प्रेशर कुकर में बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है। और पांचवा रेसिपी बनाएंगे चना दाल पुलाव। तो चार पांच अलग अलग फ्लेवर्स, 5 दिन के लिए पांच फ्लेवर्स, एकदम डिफरेंट स्टाइल प्रेशर कुकर में बनाएंगे। राइस रेसिपीज़ लंच बॉक्स हो या टिफ़िन बॉक्स, बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर देखिए रेसिपी। नमस्कार, मैं हूँ शुभंकरी और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा चैनल सूस फूड कॉर्नर हिंदी पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले बनाएंगे चिली पनीर राइस। बहुत ही यम्मी, टेस्टी और अलग सी रेसिपी है। प्रेशर कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करके एकदम हाई हीट पर, जब तेल गरम हो जाए उसमें हम डालेंगे 1 कैप्सिकम और 1 प्याज मीडियम साइज़ को, इस तरह से चकोर आकार में कटे हुए जैसे चिली पनीर में नॉर्मली डालते हैं। ज़रा सा नमक डाल देंगे एक चुटकी और हाई फ्लेम पे बस 1 मिनट सॉटे करना है, जब तक कि उसके ऊपर इस तरह से ना हल्का हल्का मार्क्स ना आ जाए, ज़रा सा ये रोस्ट हो जाए बस 1 मिनट में हाई फ्लेम पर। अब उसी प्रेशर कुकर में ज़रा सा चाहें तो आप और तेल डाल सकते हैं, या फिर उतने ही तेल में आप 150 ग्राम में यहाँ पनीर ली हूँ इस तरह से चकोर आकार में क्यूब में काट के, बस 2-3 मिनट के लिए सॉटे कर लें। ज़रा सा पनीर में मेरा पानी रह गया था इसलिए इसका कलर ऐसा आया है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करके डाल दें। पनीर को भून के निकाल दें। उसी प्रेशर कुकर में कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ अदरक, हरा मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से सॉटे कर लें और फिर उसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज और ज़रा 2 चुटकी नमक और प्याज को 2-3 मिनट बस सॉफ्ट होने तक हल्का सा भून लेंगे। अब इसी प्रेशर कुकर में हम डालेंगे सोया सॉस, टमाटो सॉस, विनेगर, चिली सॉस। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अवॉइड करें क्योंकि प्रेशर कुकर रेसिपी है। हरा मिर्च हम ऑलरेडी डाले हैं, उसका फ्लेवर आएगा। अगर स्पाइसी बना रहे हैं बड़े लोगों के लिए तो ज़रूर चिली सॉस ऐड करें। जब सॉस वगैरह भुन जाए तब हम डालेंगे 1 ग्लास चावल जो आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था, उसको डाल दें। डाल के ज़रा छान के डालें ताकि पानी ना रहे और इसको सॉटे कर लेंगे 3 से 4 मिनट ताकि सॉस का सारा फ्लेवर आ जाए। और 1 ग्लास पानी के लिए 1.25 ग्लास पानी और ज़रा सा गोल मिर्च का पाउडर या 1.25 ग्लास पानी और ज़रा सा गोल मिर्च का पाउडर डाल के मिला लें। नमक वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। हाई फ्लेम पे 1 सीटी और फिर फ्लेम धीमा करके 2 मिनट रखें। 2 मिनट बाद गैस बंद कर दें और उसके बाद छोड़ दें जब तक कि प्रेशर नेचुरली रिलीज ना हो। और उसके बाद ढक्कन खोल के जो हम पनीर, प्याज, कैप्सिकम भुने थे ना उसको डाल के मिला ले। अब ये गरम है, मिलाने के बाद वापस से ढक्कन लगा ले बस 1 मिनट के लिए। गैस पर नहीं चढ़ाना है, ऐसे ही बस 1 मिनट के लिए ढकने के बाद बहुत अच्छे से सब फ्लेवर्स एब्जॉर्ब हो गया है और ये सर्व करने के लिए टिफ़िन बॉक्स में रेडी है। चिली पनीर फ्लेवर का राइस वो भी प्रेशर कुकर में बना है बहुत कम तेल मसाले में, इतना टेस्टी और यमी लगता है ना, फीलिंग है, न्यूट्रिशियस है। बच्चे हो या बड़े हो, स्कूल में हो या ऑफिस हो, सुपर हिट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर हम बनाएंगे चना दाल पुलाव। ट्रेडिशनल है पर सुपर यमी बनता है। 2 चम्मच में घी गरम की हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल तेल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो खड़े गरम मसाले हैं डाल दें। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में डालें क्योंकि मैं ये जो टिफ़िन बॉक्स रेसिपीज़ बना रही हूँ ना, ये 2 लोगों के लिए, एडल्ट लोगों के लिए परफेक्ट है, ऑफिस के लिए। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाले, खड़े गरम मसाले भून गए तो उसके बाद हम डाल देंगे प्याज, ज़रा सा नमक और प्याज को ज़रा सॉफ्ट करने तक भून लेंगे, हल्का हल्का भून लें, एकदम ब्राउन करने का ज़रूरत नहीं है। जब प्याज भून जाए 3-4 मिनट लगेगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ और चना दाल को ना मैं 1 घंटा पहले सोक कर ली थी, इसको 1 घंटा पहले सोक कर लेती हूँ। और ये हर प्रेशर कुकर रेसिपीज़ के लिए पाँचों के पाँचों दिन के लिए ना चावल को आधा घंटा सोक करना है। चना दाल रेसिपी को मैं चना दाल 1 घंटा सोक करना है, चावल ऑलरेडी हम आधा घंटा पहले सोक कर चुके हैं। जब मसाले भून जाए चना दाल डाल दें, सूखे मसाले जो है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल के प्याज, लहसुन, अदरक में गरम मसाला के साथ जो सोक किया हुआ चना दाल है, भीगा हुआ चना दाल है, इसको 3-4 मिनट भून लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे जो भीगा हुआ चावल था ना आधा घंटा के लिए, उसको छान के इसमें डाल देंगे। और फिर हम डालेंगे 1.5 ग्लास पानी और नमक स्वाद के हिसाब से। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे, मिला लेंगे। और बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है नींबू का रस, आधा चम्मच, छोटे चम्मच डाल के इसको मिला ले, लगा दे ढक्कन 1 सीटी हाई फ्लेम पे, फिर फ्लेम धीमा करके 2 मिनट छोड़ दे।
दूसरा सीटी आने से पहले गैस बंद कर दे, फिर 10 मिनट छोड़ दे जब तक कि इसका प्रेशर सारा ख़त्म ना हो जाए, और फिर पहले एक फॉक से या एक कांटा चम्मच से इस तरह से मिला ले ताकि जो एक्सेस इसका गैस है, स्टीम है, वो निकल जाए और आपका पुलाव पूरा खिला खिला बने। मैं आपको दिखाती हूँ चना दाल। हमने एक घंटा चना दाल को सोक किया था, भिगोया था, और चावल को आधा घंटा सोक किया था, दोनों को एक साथ पकाए हैं और ये परफेक्टली गले हैं, खड़े हैं पर गले हैं। ऐसे ही तो ये मज़ा आएगा ना। अगर मैशी सा हो जाएगा तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, वो बन जाएगा खिचड़ी। हमको बनाना है पुलाव ताकि लंच बॉक्स के लिए बहुत टेस्टी सा रेसिपी हम बना पाएँ। तो ये रेडी हो गया है, आप टेक्सचर देख पा रहे होंगे कितना बेहतरीन बना है। ये अपने में फीलिंग है, बहुत ही यमी लगता है, एक बार ये ट्राई कीजिए। लंच बॉक्स रहे, टिफ़िन बॉक्स रहे, एडल्ट के लिए रहे, बच्चों के लिए सबको बहुत अच्छा लगेगा। फिर मेरा तीसरा और पांचवा रेसिपी है फिफ्थ डे के लिए, ड्राई फ्रूट पुलाव। ये मुझे बहुत बहुत पसंद है, बहुत सारे मेमोरीज जुड़े हैं इस रेसिपीज़ के साथ। तो एक कुकर में ज़रा सा घी डाल के आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है वो पहले भून ले। मैं यहाँ पे आमंड्स और काजू यूज़ की हूँ, पहले वो भून ले 30 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे। फिर यहाँ पे आप किशमिश डालें, मेरे पास ब्लैक रेजिन था तो मैं यूज़ की हूँ, आप नॉर्मल किशमिश भी इसमें डाल सकते हैं। सब चीज़ों को इस तरह से भून के 30-40 सेकंड के लिए निकाल दें, और फिर उसी कुकर में ही हम एक दो चम्मच और घी डालेंगे। और इसमें कुछ गर्म मसाले हैं जो इस रेसिपी के लिए ज़रूरी है, वो है बड़ी इलायची, स्टार अनीस अगर नहीं हो तो भी एडजस्ट कर सकते हैं, पर बड़ी इलायची निश्चिंत डालें, दो हरी इलायची और लौंग, तेजपत्ता डाल के। चावल को मैं 15 मिनट बस भिगोई हूँ इस रेसिपी के लिए, आधा घंटा भिगोने की ज़रूरत नहीं है, 15 मिनट भिगोई थी, उसको छान के कुकर में डाल दें। और बहुत ज़रूरी है 7-8 मिनट मीडियम फ्लेम पे इन गरम मसालों के साथ हम चावल को भूनेंगे, तब तक जब तक कि पूरा खिला खिला ना हो। ज़रा 2-3 मिनट हुआ है, मैं इसमें 2 चुटकी हल्दी डाली हूँ। हाँ, बिल्कुल भी ज़्यादा हल्दी ना डालें, बस 2 चुटकी एक ग्लास चावल के लिए बहुत होता है। और 7-8 मिनट बाद देखिए, 6-7 मिनट बाद ये पूरा परफेक्टली डन है, खिला खिला बना है। इस स्टेज पे भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल दे, 2 बड़े चम्मच चीनी डालें, 1 छोटी चम्मच नमक डालें और 1/4 कप गरम पानी डालें। इस रेसिपी के लिए गरम पानी चाहिए, उसको डाल दे 1.25 कप पानी, गरम पानी डाल के मिला ले, लगा दे ढक्कन, हाई फ्लेम पे 1 सीटी, फ्लेम लो करके 2 मिनट छोड़ दे, दूसरा सीटी आने से पहले बंद कर दे, बस 2 मिनट ही छोड़े, ज़्यादा टाइम ना रखे, और फिर वेट करें जब इसका गैस रिलीज़ हो जाए, तो फिर एक फॉक लेके इस तरह से मिला लें, और आपका सुपर यमी टेस्टी ड्राई फ्रूट्स पुलाव रेडी है। वो जो शक्कर और हम सॉल्ट डाले थे ना, नमक और चीनी, उसका क्या बेहतरीन बैलेंस आता है, एकदम बहुत ही सटल फ्लेवर आएगा, इतना टेस्टी ये बनता है, मीठा बिल्कुल नहीं लगेगा, एक परफेक्ट बैलेंस लगेगा, ये बहुत ही यमी और टेस्टी बनता है। तो ये एक रेसिपी, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे मेमोरीज है इस रेसिपी के साथ। तो ये हमारा ड्राई फ्रूट्स पुलाव बनके रेडी है, 3 बेहतरीन रेसिपीज़, खास करके चिली पनीर राइस, ड्राई फ्रूट पुलाव बहुत ही यमी और टेस्टी बनता है, एक बार ये ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब समय है कमेंट ऑफ द डे का, आज का जो कमेंट है वो है SR बृंदा का, वो लिखती है वेरी क्लियरली एक्सप्लेन, थैंक यू। इन्होंने कमेंट किया है रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर सैटे रेसिपी पे, वन ऑफ माय मोस्ट पॉपुलर वीडियोस है, यमी टेस्टी बनता ही है, उतना ही न्यूट्रिशियस है। थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यारा सा कमेंट किया और केयर किया कि आप मुझे बता पाए। स्टे सेफ और स्टे कनेक्टेड। और ये आज का जो वीडियोस है ना, 5 दिन के लिए 5 रेसिपीज़ मेरा आज ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज़ आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ निश्चित शेयर कीजिएगा, चाहे तो सूज फूड कॉर्नर हिंदी को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।